लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने लंपी वायरस की रोकथाम और बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने संक्रमित पशु पशुओं के झुंड को स्वस्थ पशुओं से पृथक रखने के लिए कहा है। बाड़े की साफ सफाई के साथ पशुओं के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस से जानवरों को बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा है कि लंपी वायरस से बचने के लिए कीटनाशक और विषाणुनाशक से पशुओं के परजीवी कीट, किलनी, मक्खी, मच्छर आदि को नष्ट करें। पशुओं के आवास, बाड़े की साफ सफाई रखें। संक्रमित क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर अविलंब पशु चिकित्सक से उपचार कराना जरूरी है। क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप थमने तक पशुओं के बाजार, मेले आयोजन और पशुओं के क्रय विक्रय आदि पर रोक रहेगी। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराना आवश्यक है। मेरे प्रिय गोपालक और पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गो माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गो माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में, चाहे गोवंशी हो या भैंस वंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचाने। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठाने पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है, पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जू आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें।
बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कोविड-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। धन्यवाद। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।